बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुख तकलीफ से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। व्लॉग का आगाज में इसका छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने हमारे तक हमें व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारे हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आते टाइम तो पहुंच सके। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है और आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, पूरी वॉच करनी है। तो हमने धोए थे कपड़े, मैंने और मम्मा ने बहुत सारे कपड़े थे धोए थे, तो हम थक गए थे इसलिए मम्मा से खाना नहीं पका। मंगाई थी, मेरे से खाना नहीं पक रहा, तो फिर पापा कहते कोई बात नहीं हम होटल से ले आते हैं। तो पापा होटल से खाना लेकर आए, देखते हैं क्या लेकर आए हैं इसके अंदर। मंगाई निकाल लेते हैं सबसे पहले। क्या हुआ जुल्फुन ने? नाम तो कर लो जोर से। इतने सारे कपड़े थे, वैसे भी मम्मा और मैं थक गए थे और अभी भी थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं क्योंकि मशीन चलते चलते फिर बंद हो गई। अब तो लगता है मशीन नहीं रहनी पड़ेगी, जो हाल है इस मशीन का। वैसे भी इतनी देर से ही है, बहुत टाइम हो चुका है इस मशीन को। रोज की मैंने शॉपर में से बाहर निकाल ली है, इन्हें साइड पे रखती हूँ और देखती हूँ पापा शॉपर में और क्या लिख रहे हैं। हाँ किया, इतना तो मुझे भी नहीं पता क्या है। हाँ किया, ये क्या कोई स्पेशल चीज है? पता नहीं पापा लेकर आए, पता नहीं क्या। हम खोलते हैं फिर देखते हैं क्या चीज है। ये क्या? ये तो दाल है। जुल्कनैन सलाम करो। गाड़ी पे जा रहे हो? हाँ, शापा खुल ही गया और अब मैं गेट में दाल ऐड कर लेती हूँ। ना करो जुल्कनैन। हाँ? ना करो ना? हाँ जी, तो कर लेती हूँ। शैतानियां तो करनी है ना चलो दाल, और दाल भी मैं निकाल लिया, सलाद भी निकाल लिया और दही भी निकाल लिया और पापा यहाँ साथ में ये भी लेकर आए थे और ये भी निकाल देते हैं। ये है क्या चीज? आलू अंडे हैं शायद। आलू अंडे हैं। अपने कहा बना कर दाल का सामान कम होगा तो साथ में आलू अंडे भी ले लेंगे। ये आलू अंडे, दाल, जग में पानी, दही और ये सलाद और ये रोटी, ये मैंने सब बाहर निकाल के रख लिया। अब मैं अम्मा को देती हूँ ताकि वो भी खाएं और हम भी खा लें साथ में। और जग में पानी देखती हूँ कि पानी कितना सा है, काफ़ी है पानी, तो अभी लेकर जाती हूँ। क्या कर रही हो लीजा? पढ़ रही हो? चलो आजा, पहले डिनर कर लो, बाद में बैठ के पढ़ लेना, फिर हम दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे। जैन भी यहाँ किताबें लेकर बैठा हुआ था, फिर वो मेरे साथ आ गया क्योंकि मैंने व्लॉग बनवाना था। और अलीज़ा यहाँ बैठी पढ़ रही है अभी। चलो अलीज़ा आजा, पहले डिनर कर ले फिर बाद में पढ़ लेना, ठीक है? आ जाओ। खाना मैं ला के दे दिया है, मम्मा कर लो डिनर। आज जैन ਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਤਿੰਨ ਰਸਗੁੱਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਰ ਸੀ ਚੇਕ सालम जी पागल नहीं है, खाना खाते हैं बच्चे।
जुल्कन को भूख लगी है ना जुल्कन? दोनों ले लो फिर आप। खा लो लीजा अभी। रोटी खाने दिल नहीं मेरा करन दिया लेकिन जैसे करके आया अल्हम्दुलिल्लाह खाऊंगी थोड़ा जहा खाऊंगी बहुत तो नहीं बस बिल्कुल थकावट है ना इतना हाँ। महसूस हो रहा है इस तरह थकावट इस तरह इतना जो बुखार हो गया ना मेनू कपड़े थोड़े सीखे जाने पापा किन्ने कपड़े सीखे अभी मेरी बस हो गई है मेरा इतना दिल कर रहा कि मैं लम्मी पवा तो पै के सौ जाना कोई मेनू बुलावे ना चलावे ना हाले तो इन्होंने मेहरबानी कि इन्होंने आके मैंने चाय भी बना के दी सी ना चाय बना के दिते तो मैंने इन्नी ज्यादा थकावट सी हूँ मैं पैनाडॉल की गोली खावगी इस करके मैं थोड़ी जी रोटी खा रही हूँ पैनाडॉल की गोली खा के सौ जाऊंगी पानी दो भाई जल जल खाना तो बहुत मजा लगी तो लाके आया जब आप गए थे ना हम भी पीछे से आलू अंडा ही मंगवा के खाते थे दाल लेके आए जनाब भाई पास तो टेस्टी आलू अंडा तो आलू अंडा लेके आए सामने शहर पंप है सारे उसको लेके आए सामने आलू अंडा उन्होंने कहा होगा ना महंगा भिंडी कब तक आएगी ममा भिंडी कब तक आएगी भिंडी वर्गी खुद भिंडी याद आती है जिदा फातिमा तू चाय बना ले मेनू गोली दे दो मेरे बहुत ज्यादा थकावट आएगी मैं लेट जाऊं जरा ठीक है ना ठीक है खाना सबने खा लिया और मैंने बर्तन भी उठा लिया तो बाबा कह रहे थे कि मैं चाय बना लूं और मम्मा भी कह रही थी कि मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी थोड़ी सी फीलिंग की मेरी थकावट हुई है तो अब मैं अब इसे मैं दूध ऐड कर लेती हूँ पानी मैंने ऐड कर लिया मैं इसके अंदर पत्ती ऐड करने लगी पत्ती भी थोड़ी सी ऐड करूंगी क्योंकि मम्मा को ज्यादा पत्ती पसंद है और अब मैं सिर्फ चीनी ऐड करने लगी चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया अगर कम होगी तो मैं एक और ऐड कर लूंगी और माचे भी खत्म होगी मम्मा इस डब्बे के अंदर माचे रखी हुई है तो अब मैं इसमें से माचे निकाल के यहीं पर बनानी है चाय हाँ जी मैंने कहा साथ में बर्तन भी धोलूंगी ना किचन में बर्तन भी है चूल्हा मैं ऑन कर रही हूँ मैंने
जब तक चाय तैयार होगी मैं ये जो हमने खाना खाया इसके बर्तन धो लेती हूँ। तैयार हो गई है और अब मैंने कपों के कप के अंदर ऐड करके होमवर्क को देने जा रही हूँ। तो आज का जो भी सीन होगा फिर मैं शेयर करते हैं। कप धोने वाले पने हैं, मैंने कहा पहले कप धो लेती हूँ फिर बाकी बात पे देखते हैं। अब मैं कप धोती हूँ फिर तुमने चाय ऐड कर। तैयार हो चुकी है, अब मैंने कपों के अंदर ऐड कर लेती हूँ। कप भी मैंने धो के रख लिए हैं, चाय मैंने कपों के अंदर ऐड कर ली है। ये प्याली पापा की, ये जो भरा हुआ कप है ये मम्मा का, और ये जो थोड़ा सा कम है ये मैं मामू को लेकर जा रही हूँ क्योंकि मामू बहुत कम चाय पीते हैं। चाय मैंने ऐड कर ली पापा के अंदर, मैंने पापा को पापा के पास रख दे दिया। और यही वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक लिए अल्लाह हाफिज़।